वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्लास चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, किस जगह यूज़ होता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में लिखे, इसके पहले रूल समझ लेते हैं, अफर्मेटिव रूल्स। जैसे अगर क्वेश्चन लिखा ही शी इट, तो वहाँ पर हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है कि सब्जेक्ट कोई से भी हो उसमें हमेशा हम कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, इसका रूल्स क्या है, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, फिर प्लस एक्शन। जैसे कुछ सेंटेंस मैंने इसमें लिखे हुए हैं, मैं स्कूल गया था, था रहा इसमें लास्ट में गया था। पास्ट की बात करें, जब हम किसी चीज़ के पास्ट की बात करें तो उसे हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जो हम कल की बात करेंगे। ठीक है, ये अभी में कुछ थोड़ी देर पहले हुआ है उस चीज़ को। तो जैसे कि मैं की इंग्लिश क्या होगी, आए, सब्जेक्ट क्या इसमें आए। ठीक है, गया था, तो गया था पास्ट की बात हो रही है, तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, फर्स्ट फॉर्म होती है गो। ठीक है, गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो इसके जो यहाँ पे वर्ब यूज होगी वो कौन सी फॉर्म यूज होगी, सेकेंड फॉर्म, आई वेंट टू स्कूल। तो हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करी, सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो सेकेंड देखते हैं, हमने मूवी देखी थी, तो देखी थी मतलब पास्ट की बात हो रही है, नॉर्मल सी बात है। तो पास्ट फॉर्म कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म। हमने की इंग्लिश क्या होगी, वी। ठीक है, देखने की इंग्लिश क्या होती है, मूवी देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉच। वॉच सेकेंड, फर्स्ट फॉर्म होती है डब्ल्यू ए टी सी एच। ठीक है, सेकेंड फॉर्म क्या होगी इसकी, वॉच्ड, आई वॉच्ड मूवी। इतनी ईजी फॉर्म है। ऐसे कुछ और भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे थर्ड, मैंने खाना खा लिया था। ठीक है, तो ये कौन सा, मैंने खाना खा लिया था, तो पास्ट की बात हो रही है। किसी मम्मी ने पूछा खाना खा लिया, मैंने कहा खाना खा लिया था मैंने, तो इसकी इंग्लिश कैसे, मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई। ठीक है, खाने को इंग्लिश क्या बोलती है, खाने की जो वर्ब होती है वो खाने क्या होता है, वर्ब। वर्ब इंग्लिश में क्या बोलते हैं खाने को, टेक। टेक होती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म क्या यूज होगी इसकी, टुक। आई टुक खाने की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूड। तो सेंटेंस क्या बना, आई टुक फूड। इसी का हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस के रूल्स क्या है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो तो हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट हम क्या यूज करेंगे, डिड नॉट। सेकंड फॉर्म डिड नॉट को ही बोलते हैं। ठीक है, रूल्स क्या बनेगा, सब्जेक्ट आएगा, डिड नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड नॉट आ गया तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि सेंटेंस देखते हैं, मैंने झूठ नहीं बोला था, तो मैंने की इंग्लिश क्या आएगी, आई। ठीक है, आई के साथ क्या यूज करूंगा, डिड नॉट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, याद करने के लिए इसमें सिर्फ डिड नॉट को यूज करना, डिड नॉट। झूठ बोलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेल अ लाई। तो देखिए इसमें जो टेल है कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर डिड नॉट यूज कर लिया तो हम कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। इसी का नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम दिल्ली नहीं गए थे, तो हम की इंग्लिश क्या होगी, वी। वी के साथ क्या यूज होगा, डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डिंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिंट। वी डिड नॉट गए थे की इंग्लिश क्या होती है, जाने की, गो टू दिल्ली। ठीक है, बहुत इजी सेंटेंस है, वी डिड नॉट गो टू दिल्ली। अगर यहाँ पर हमने डिड नॉट का यूज करा तो हम क्या यूज करेंगे वर्ब में, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वी डिड नॉट गो टू दिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और सेंटेंस का, जैसे थर्ड सेंटेंस ले लेते हैं, हमने चाय नहीं पी थी। ठीक है, हमने चाय नहीं पी थी, तो इसको कैसे बनाएंगे, हमने चाय नहीं पी थी की सेंटेंस, हमने की इंग्लिश क्या होती है, वी। वी के साथ क्या आएगा, डिड नॉट, वी डिड नॉट। पीने की इंग्लिश क्या होती है, ड्रिंक। ठीक है, वी डिड नॉट ड्रिंक। और चाय की इंग्लिश क्या होती है, टी। तो सेंटेंस क्या बना, वी डिड नॉट ड्रिंक टी। डिड नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, डिंट। ठीक है, नेक्स्ट इसी के इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। अगर इंटरोगेटिव में पास्ट को कैसे बनाते हैं, पास्ट सेंटेंस दे रखा इंटरोगेटिव है तो किस टाइप से बनाएंगे, तो उसमें भी सेम है रूल्स, ही शी इट आई वी यू, कोई सभी सब्जेक्ट हो तो हम क्या यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्शन, ये रूल है इसका। ठीक है, इसी का सेकंड रूल है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एक्शन। ठीक है, ये भी क्या है, इंटरोगेटिव का रूल है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में, क्या तुमने खाना खा लिया था, तो क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं हुआ करते क्वेश्चन में, टेंस में दे रखा है। ठीक है, तो हमने ये देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने की इंग्लिश क्या होती है, यू। ठीक है, खाने की इंग्लिश क्या होती है, टेक। और खाने की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ तो होगी वर्ब, ये क्या है, वर्ब, और ये क्या है, एक्शन। ठीक है, खाने क्या होगी, फूड। अगर क्वेश्चन में यू दे रखा तो हम क्या यूज करेंगे, डिड। डिड यू टेक फूड, बहुत इजी सेंटेंस है। सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब लिखनी है, ऑब्जेक्ट लिखना है, और शुरू में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं, वह कहाँ गया था, यहाँ किस चीज की बात हो रही है, प्लेस की। ठीक है, सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो कहाँ की इंग्लिश पहले यूज करेंगे, वेयर।
ठीक है। अब वेयर सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही। वेयर की इंग्लिश क्या होती है, ही। वर्ब क्या है, गया। गया की इंग्लिश क्या बोलते हैं, गो। तो अब इसमें क्या है, ही के साथ हो, ही शी कुछ भी वर्ड हो तो हम क्या यूज करेंगे, डिड। तो सेंटेंस क्या बना, वेयर डिड ही गो। तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ऐसे सेकंड नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, क्या उसने सच बोला था, ठीक है। क्या उसने सच बोला था, ये भी क्या है, पास्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या की इंग्लिश कुछ नहीं होती, हम क्या यूज करेंगे, डिड, ठीक है। यहाँ पे वर्ड यूज नहीं करते शुरू में, अगर बीच में क्या आ गया तब यूज करेंगे, ठीक है। उसने, उसने की इंग्लिश क्या होगी, ही। सच बोलने की इंग्लिश क्या होती है, स्पीक द ट्रूथ, ठीक है, स्पीक द ट्रूथ। कुछ ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं कि जिसमें क्या आगा, जो वर्ड है वो वर्ड का यूज करें। जैसे सेंटेंस लेता हूं, उसने क्या खाया था, देखो इसमें क्या आ गया शुरू बीच में, यहाँ पे बीच में क्या यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे किसी चीज के बारे में पूछे हैं, तो यहाँ पे क्या की इंग्लिश हमने डिड यूज करी, और यहाँ पे जो बीच में क्या है इसके हम इंग्लिश क्या यूज करेंगे, वॉट। वॉट के बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही, ठीक है। खाने खाया था, खाने को इंग्लिश में बोलते हैं टेक, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और ही के साथ क्या यूज करेंगे इसमें, डिड। तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट डिड ही टेक, उसने क्या खाया था।